हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं इडली, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे सांभर के साथ बनाएं तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अगर आप सांभर की रेसिपी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। और अब चलिए फटाफट बना लेते हैं ये एकदम जालीदार इडली। इसमें मैं आपको बहुत सारी सीक्रेट टिप्स भी देने वाली हूँ। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे एक बोल में हमने यहाँ पर 2 कटोरी ले लिया है चावल का आटा। यहाँ पे बिल्कुल हम दाल का यूज नहीं कर रहे हैं, ना ही रवा का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ चावल के आटे से बनाया है। तो इस तरीके से हमने चावल का आटा ले लिया है और अब हम इसमें मिलाएंगे 1 कटोरी दही। ये फ्रेश दही है, तो आप इसमें 1 कटोरी दही डाल दें। अगर आपकी दही ज़्यादा खट्टी है तो 1 ही कटोरी डालें, और अगर खट्टी नहीं है तो आप 2 कटोरी दही डालें। और दही डालने के साथ इसमें मैंने इनो का एक सेसे डाल दिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी पानी। और आप देखेंगे कि इनो इतना एक्टिव हो गया है, बस इसी स्टेज पर आपको चलाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कोई सोडा नहीं यूज करने वाली हूँ, बस चावल का आटा है और इनो है और उसके साथ में दही है। इन 3 चीज़ों से मैं इडली बनाने वाली हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर आप अच्छे से इसका बैटर तैयार कर लें। फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लम और आती है कि जब आप इडली बनाते हैं तो उसका कलर बहुत ज़्यादा येलो कलर का हो जाता है, यानी कि आपकी इडली एकदम सॉफ्ट नहीं बनती हैं, वाइट नहीं बनती हैं। तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ क्यों नहीं बनती। तो चलिए, पहले यहाँ पे 6 से 7 घंटे हमने भिगा दिया था और ये कम्प्लीटली 6 से 7 घंटे फूल चुके हैं। और अब यहाँ पर देख लीजिए कितने अच्छे से फूल कर तैयार हुए हैं। और अंदर जब आप ऊपर का बैटर थोड़ा सा हटाएंगे तो बिल्कुल जालीदार बैटर दिखेगा। तो ये देखिए, एकदम जालीदार बैटर लग रहा है। तो अब हम इस स्टेज पर यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, यानी कि स्वाद के हिसाब से ही नमक डालेंगे हम। थोड़ा नमक इनो में भी होता है, आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से नमक डाल देंगे और फिर हमें इसे एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिलाते जाना है। इस तरीके से एक डायरेक्शन में अच्छे से मिलाते जाना है। अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी लग रही है तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। और बस इसे हमें अच्छे से फेंटना है 3 से 4 मिनट। ध्यान रखिए, फेंटने से इडली आपकी बहुत फूली फूली सी जालीदार बनती हैं और इसमें पीलापन नहीं आता है। और अगर आप ज़्यादा सोडा यूज करते हैं तो उसकी वजह से आपकी इडली पीली हो जाती है। तो ध्यान रखिए, अगर आप सोडा नहीं डालेंगे तो बिल्कुल इस तरीके की एकदम फूली हुई जालीदार और सफ़ेद इडली तैयार होंगी। तो चलिए, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं अपना इडली का स्टैंड, यानी मोड में अब हम लगा लेते हैं थोड़ा सा ऑयल। और इसका भी ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे आप ऑयल लगाएं या फिर रिफाइंड ऑयल लगाएं इसके साथ, या फिर आप बटर लगाएं, दोनों में से एक चीज़ ही यूज़ करें, मस्टर्ड ऑयल बिल्कुल ना यूज करें। तो चलिए, यहाँ पे ग्रीस कर लिया है और हम इस तरीके से बैटर को फिल कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा डैप कर लेंगे। इस तरीके से डैप करने के बाद ऊपर जो इकट्ठा थोड़ा थोड़ा सा हो जाता है बैटर हमारा, वो इकट्ठा नहीं होता है और इडली हमारी एकदम स्मूथ बनती है। तो चलिए, यहाँ पर हमने रख दिया था इडली के बर्तन में पानी गर्म होने के लिए। तो ये पानी गर्म हो चुका है और जब सारे स्टैंड को हम इस तरीके से इडली स्टैंड में रख देंगे और लास्ट में इसका ढक्कन लगाते हुए अब इसको हम पकाएंगे 15 से 20 मिनट। अच्छे से होने के बाद अब हम इसको चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो चुके हैं हमारे 15 मिनट और
अब यहाँ पर देखिए, इडली हमारी काफ़ी अच्छे से फूल चुकी है और बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। तो इसको चेक करने के लिए आप कोई टूथपिक ले सकते हैं या फिर कोई नाइफ़ ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक बार डाल कर देख लें, बैटर बिल्कुल नहीं चिपक रहा, यानी कि इडली हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है। चलिए अब हम इडली को निकाल लेते हैं अपने स्टैंड से और मैं आपको इसको पास से दिखाती हूँ कि कैसी बनी है हमारी इडली। ये देखिए बहुत ही आराम से निकल जा रही है और आप खुद देख लीजिए ये कितनी वाइट बनी हुई है, कितनी सॉफ्ट बनी हुई है। देखिए कितनी वाइट बनी हुई है, एकदम सफ़ेद और फूली हुई इडली बनी हुई है। और यहाँ पर पास से देखिए कितनी जालीदार लग रही है। चलिए अब हम बना लेते हैं फटाफट से अपनी चटनी और बढ़िया से इसको खाते हैं। तो यहाँ पे हमने गरम तेल में 1 चम्मच राई डाल दिया है। राई हो जाने के बाद, यानी राई चटक जाने के बाद, अब हम इसमें डाल देंगे 2 लाल मिर्च। इस तरीके से लाल मिर्च डालने के बाद गैस का फ्लेम हम करेंगे बंद। अभी ऑयल हमारा हीट ही है, अब हम इसमें डाल देंगे अपने करी पत्ता। और बस यहाँ पर हमने मूंगफली को भून कर पीस लिया था और नमक भी मिला लिया था। ये देखिए तैयार है हमारी चटनी। अब आप चाहे इसे चटनी के साथ खाएं या फिर आप इसे सांभर के साथ खाएं, दोनों रेसिपी आपको हमारे चैनल पर मिल गई हैं। तो वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर से लाइक करके जाएं, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।